बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर महीने बाकायदगी से वक्त पर पीरियड्स आएं, उसके लिए आज से ही पपीता ऐसे खाना शुरू कर दें। ऐसी लड़कियां या खवातीन जिन्हें पीरियड्स वक्त पर नहीं होते, अगर होते हैं तो ब्लीडिंग बहुत ही कम होती है या सिर्फ स्पोर्टिंग ही होती है, यानी पीरियड्स खुलकर नहीं होते। अगर हो भी जाएं तो इंतहाई शदीद दर्द के साथ होते हैं और कभी तो दो दो तीन तीन महीने मेंसेस होते ही नहीं है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी डाइट में क्या चीज शामिल करेंगे जो कि पीरियड्स जल्दी लाने और हर महीने बाकायदगी से लाने के लिए एक कुदरती दवा के तौर पर काम करती है। वो कुदरत का अजीम तोहफा है पपाया यानी पपीता। ये एक ऐसा फल है जो कि पीरियड्स की बेकायदगियों को ठीक करता है। इसमें बड़ी मिकदार में कैरोटीन होते हैं जो कि खवातीन की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत तेजी से करना शुरू कर देते हैं, जिससे रुके हुए पीरियड्स खुलकर होते हैं और जल्दी हो जाते हैं। पपीता खाने से यूट्रस अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है। कॉन्ट्रैक्ट से मुराद ये है कि जैसे फर्ज करें कि आपने माल्टे का जूस हाथ की मदद से निकालना हो, तो आप माल्टे को निचोड़ने के लिए पहले अपनी मुट्ठी को दबाएंगे तो उसका जूस निकलना शुरू हो जाएगा। इस अमल को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, यानी पपीता खाने से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पीरियड्स का ब्लड बाहर आएगा। इस लिहाज से इस फ्रूट को पीरियड्स लाने वाली नेचुरल मेडिसिन भी कहा जाता है। आप पपीते को ख्वाह किसी भी तरह से इस्तेमाल करें, चाहे जूस की सूरत में या ऐसे ही स्लाइसिस काट कर खाएं, लेकिन खाने से पहले उस पर 30 बार अल्लाह हुस्समद पढ़ के दम जरूर करें। इंशाल्लाह आपका पीरियड्स का प्रॉब्लम 100% बिना दवाई के ही ठीक हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता जिन्हें पीरियड्स का मसला किसी बड़ी बीमारी की वजह से है, फाइब्रॉइड्स यानी रसोलियाँ या एंडोमेट्रियोसिस वगैरह, तो वो साथ में इस बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर से भी रिजू करें। और रूहानी इलाज के तौर पर हम आपके लिए ये कर सकते हैं कि आपको शिफा के 2 तावीज़ात आपके नाम से मंसूब करवा के अरसाल करें, जिससे कि यूट्रस की हर वो बीमारी जो पीरियड्स के रुकने का बायस बन रही है वो भी ठीक हो और आपको पीरियड्स भी वक्त पर हो जाए। इसके लिए आपको 2 तावीज़ात दिए जाएंगे। एक सूरह शुरा का है जो शिफा के लिए है, और दूसरा सूरह बकरा का है जो कि बीमारी की रूहानी वजूहात यानी जादू या नजरे बद वगैरह के खात्मे के लिए है, जो किसी भी इलाज का असर नहीं होने देते। जब मरीजा मुकम्मल तौर पर दोनों वजूहात से बाहर निकल आती है तो शिफा यकीनी हो जाती है। दोनों तावीज़ात का हदिया 1400-1400 रुपए मुकर्रर किया गया है, लेकिन अगर आप साहबे इस्तेदात नहीं तो ये तावीज़ात अहद के जरिए फी सबीलिल्लाह भी मंगवा सकते हैं। तावीज़ात मंगवाने के लिए इन नंबर्स पर राब्ता करें, खवातीन 03-2179-70-893 पर, और मर्द हजरात 03-2340-2855 पर राब्ता करें।